सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मानव बनकर धरती पर अवतरित हुए। महाराज मनु और महारानी शतरूपा को दिया हुआ वरदान सत्य किया। वही महाराज मनु और महारानी शतरूपा अपने अगले जन्म में अयोध्या धाम के महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या हुए। नारायण ने नर शरीर धारण कर इन दोनों महान पुण्य आत्माओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर इनको भी धन्य किया और मानव योनि को भी धन्य किया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने साथ अपने अंश रूप में तीन भाइयों को लेकर अवतरित हुए। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के इन चार पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या जी सहित तीनों लोकों में आनंद छा गया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ऐसा जन्मोत्सव हुआ कि भगवान सूर्यदेव महीने भर अयोध्या जी के ऊपर ही खड़े रह गए। भूल गए कि उन्हें अस्ताचल की ओर भी जाना है। मास दिवस कर दिवस भाव, महीने भर का दिन हो गया। महोत्सव चलता ही रहा। रात महारानी सोच में पड़ गई कि यदि सूर्य भगवान हटेंगे ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगी, कैसे प्रभु का दर्शन कर पाऊंगी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। सूर्य भगवान को विदा कीजिए जिससे मेरा आगमन हो सके।
प्रभु श्री राम जी ने तुरंत रात की बात सुनी, संकेत कर दिया और भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चल पड़े। रात आई तो भगवान से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने में बड़ी ही देरी कर दी, बहुत प्रतीक्षा करवाया आपने प्रभु। भगवान ने कहा, दर्शन देने में भले ही प्रतीक्षा करवाई हो, भले ही विलंब हुआ हो, पर वरदान देने में कोई विलंब नहीं करूंगा। विलंब से आपकी गोद में आया हूँ, इसलिए आपको वचन देता हूँ कि इस अवतार में यह शरीर आपके रंग में ही रंगा रहेगा, अर्थात मैं रात की कालिमा लेकर काला ही रहूंगा। रात तो धन्य हो गई, तभी चंद्रदेव भी आ पहुंचे। भगवान को प्रणाम करके दर्शन करते हुए बोले, भगवान, मैंने भी बड़ी प्रतीक्षा की है आपके दर्शनों की। महीने भर से पीछे खड़ा सोच विचार कर रहा था कि कब भगवान सूर्य जाएंगे और कब मैं आपके दर्शन करूंगा। ऐसी प्रतीक्षा अब दोबारा मत करवाना प्रभु। भगवान गदगद हो गए और चंद्रदेव से बोले, हे चंद्रदेव, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपको तो मैं सदा सदा के लिए अपने नाम में सजा लूंगा। और ये कहकर भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, यह दशरथ कौशल्यानंदन राम आज से रामचंद्र कहलाएगा। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू है प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम्ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार माता कौशल्या ने छोटे से बालक राम लला को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, काजल का टीका लगाया, दुग्ध पान कराया और पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनवाहे कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, लल्ला को नहला धुलाकर खिला पिलाकर
कौशल्या माता घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाने गई, पर वहां देखती क्या है कि राम लला मंदिर में बैठे भगवान को लगा हुआ भोग स्वयं खा रहे हैं। कौशल्या मैया चकित होकर पालने के पास दौड़ी दौड़ी आती है तो वहां भी देखती है कि राम लला वैसे ही पालने में लेटे हुए खेल रहे हैं। आश्चर्यचकित मैया फिर दौड़ के मंदिर जाती है तो वहां भी राम लला को देखती है कि मंदिर में बैठे भगवान का भोग खा रहे हैं। कौशल्या माता हक्की बक्की और आश्चर्यचकित हो जाती है, इतनी भ्रमित हो जाती है कि अचेत होने लगती है। तभी बाल रूप में भगवान श्री राम कौशल्या मैया की गोद में आकर बैठ जाते हैं और भोग प्रसाद से भरा अपना बाल मुख मुस्कुराते हुए खोल देते हैं। भोग प्रसाद से भरे हुए मुख को मैया देखती हैं और देखती ही रह जाती हैं। बालक रामलला के छोटे से मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह नक्षत्र राम लला के मुख में घूम रहे हैं। कौशल्या मैया घबरा जाती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। राम जी बाल सुलभ मुस्कान मुखड़े पर सजाए खेलने लगते हैं। कौशल्या माता समझ जाती हैं कि ये प्रभु की माया थी जिसने मुझे भरमाया। वो जानती तो हैं कि मेरे पुत्र के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुआ है, परंतु कौशल्या मैया उस परमात्मा को परमात्मा की तरह नहीं पुत्र की तरह देखना चाहती हैं और मानना चाहती हैं। इसलिए वो बालक राम से कहती हैं, राम मैं तुम्हें आजीवन पुत्र के समान ही देखना चाहती हूँ। यदि मुझ पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह है तो अब कभी सपने में भी मुझे तुम्हारी माया न सताए, ना डराए और ना भरमाए। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोद नठाना, होई बालक सुर भूपा। माता की यह बात सुनकर उनका मनोरथ जानकर और उनका अनुरोध मानकर राम जी सामान्य से नन्हे बालक होकर पहले की तरह रोने लगे और मैया उन्हें गोद में उठाकर दुलारने लगी और मनहार करने लगी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय 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 राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम